Hello dear students, just before a while you may have gone the previous videos. Now I am going to upload another video for you. Just before that I want to say that if you have till not subscribed the channel, please subscribe it, like it and press the bell icon also for getting new notification about the new videos. Okay, now we are proceeding with elementary. In that previous part you have already seen that what was the condition of these children. Okay, their future is in dark, so there is no ending of darkness. After that, what they are doing, now we are going to get that what is their activity, what they are doing on their slag heap. Slag heap refers to waste material, waste, waste material. Okay, means these children are playing and living most of the time in slag heap, means among the heap of waste material they are playing. These children wear skin, peep through, wear skin matlab bony, bony, they are very bony, lean and thin. Wo bachche itne duble patle hain, that's why they have been referred with wear skin. Okay, wear skin peeped through by bones, means from their outer appearance of cloth, कपड़े के ऊपर से समझ में आ रहा है कि दे आर वेरी बोनी, और बहुत ही पतले हैं, लीन एंड थीन. ओके, एंड दे आर लिविंग इन स्लैग हिप. ओके, थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. तो वो खेलते खेलते वो लोग क्या करते हैं, दे आर गेटिंग सम हाउ, जैसे कि कचरे के ढेर में बहुत सारे सामान, स्पेयर सामान. ओके, जो स्पेयर सामान है वो मिलता है, उसमें से उन लोगों को कभी कभी खेलने के लिए चश्मा भी मिल जाता है, जिसमें से वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं. कभी टीचर बन जाते हैं, कभी प्रोफेसर बन जाते हैं, कभी ऑफिसर्स बन जाते हैं. वो चश्मा लगा के अपने आप को थोड़ा सा एजेड दिखाने की कोशिश करते हैं. और वो जो स्पेक्टिकल मिला है, डेफिनेटली नोबडी इज थ्रोइंग देयर गुड स्पेक्टिकल, यू नो, कोई भी अपना अच्छा स्पेक्टिकल तो फेंक नहीं देता है. सो डेफिनेटली द स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन एंड मेंडेड, वो रिपेयर्ड है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, स्टील से बनाए हुए कोई स्पेक्टिकल्स है जो अमीर लोगों ने, रिच पीपल हैव बीन ऑलरेडी थ्रोन अवे एंड दे हैव गॉट इट, एंड आफ्टर गेटिंग देम दे आर जस्ट यूजिंग देम एज द टूल ऑफ देयर प्लेइंग, अपने खेलने का साधन के तौर पे वो उस स्पेक्टेकल्स को इस्तेमाल करते हैं जब वो स्लैग हीप में से जिन सामानों को वो उसे मिलता है उसमें से एक क्या है, वो स्पेक्टेकल ऑफ स्टील भी है विथ मेंडेड ग्लास. देखो, आई टोल्ड यू अर्लियर, नाउ यू आर गेटिंग इन द नेक्स्ट लाइन विथ मेंडेड ग्लास. दिस स्पेक्टेकल्स आर नॉट गुड ऑफ क्वालिटीज, रादर दे आर ब्रोकन, दे आर मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड ग्लास, उसकी जो ग्लास है वो भी रिपेयर्ड है, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स. और उसकी ग्लास देखने में बिल्कुल क्या हो रहा है, मेड ऑफ, जैसे कि ग्लास, उसकी जो ग्लास है लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, ऐसा लग रहा है वो पत्थर है, जैसे कि पत्थर के शेप का होता है ना टूटा फूटा, वैसे ही उनके जो चश्मे हैं, बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन. ओके, हियर यू आर गेटिंग अ सिंपली, ऐसा लग रहा है वो कोई बोतल का जो है, किसी ने कांच तोड़ के पत्थर के सहारे, स्टोन के सहारे किसी ने बोतल फोड़ा है, वैसे ही जो उनके जो शीशे हैं चश्मे के वो टूटे फूटे हैं, जैसे कि पत्थर पे कोई बोतल तोड़ता है, ठीक है ना. तो बोतल बाइट्स ऑन स्टोन्स या बिट्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. देखो, अगेन दिस फॉगी वर्ड हैज़ बीन स्पेसिफाइड. देखो, आई एम जस्ट मेकिंग अ सर्कल इन दिस लाइन. फॉगी स्लम यू हैव गॉट अर्लियर ऑल्सो. वाई दिस फॉगी इज बीन फोकस्ड, और वाई इट इज बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. फॉगी रेफर्स टू डार्क, फॉगी रेफर्स टू नॉट क्लियर. Their slum is very congested. Their slum is a very filthy, filthy, अच्छे शब्दों में वो dirty है. There is no air, no sunlight. All of their time has been spent over there. वो अपने सारे समय खाली वहीं बिताते हैं. They are not so much fortunate that they will see the open sky. That's why it is referred with foggy slum. Open sky is not visible from their slum. उनके slum से open sky visible नहीं है. They have to spend their time in this dark atmosphere, dark हटमेंट्स, HUTMENTS, हटमेंट्स मतलब झोपड़ों में, उनके झोपड़ों में उनका समय बीतता है. दैट्स वाई इट्स मैंशन दैट ऑल ऑफ देयर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो बीतता है वो फॉगी स्लम, डार्कनेस में बीतता है. बिकॉज दे नेवर एबल टू सी फुल मून, कभी फुल मून नहीं देख पाते. दे आर नेवर एबल टू सी द ओपन स्काई एंड द सनलाइट. ओके, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज टूम. सो ब्लॉट देयर मैप्स, डेफिनेटली जो मैप क्लासरूम में टंग रहे हैं, दिस मैप्स आर द मैप ऑफ रिच पीपल, बट दीज मैप, मैप ऑफ द रिच पीपल, ओके,
आर अ ब्लॉट फॉर दीज चिल्ड्रेन। ये जो मैप क्लासरूम के टंग रहे हैं उसमें इन गरीबों को कोई जगह नहीं है। सो ये मैप उनके लिए क्या है? जगह नहीं है तो एक धब्बा है। ओके, दैट मीन्स दे आर वेरी मच हेटफुल फॉर द रिच पीपल। दैट्स वाई दिस मैप आर अ ब्लॉट। ब्लॉट मतलब स्पॉट। ओके, स्कार, SCAR। हम कह सकते हैं ये मैप उनके लिए एक स्कार है, एक धब्बा है। जिस मैप में अमीरों की दुनिया है, जिसमें टायरलेस वैली है, वेयर टायरलेस वैली इज सीन, वेयर सिविलाइज डोम इज सीन, प्रॉस्पेरस सिटीज आर सीन, जहाँ पे प्रॉस्पेरस सिटी है, सिविलाइज डोम है, टायरलेस वैली की पिक्चर है, शेक्सपियर है, ये सारे मैप जो है दे आर ऑल द सिम्बल्स और एम्बॉडीमेंट ऑफ रिचनेस, लविशनेस एंड लग्जूरियसनेस। वो रिचनेस RICHNESS प्रीवियस वीडियो में बोला था रिचनेस की सिम्बल है। तो ये जो मैप है ये इन बच्चों के लिए एक धब्बा है। वाई? एज दे डू नॉट हैव एनी प्लेस इन दिस प्रॉस्पेरस वर्ल्ड। और उनकी दुनिया क्या है फिर? मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। उनकी दुनिया में तो खाली स्लम्स है, SLUMS, ठीक है ना, एज बिग एज डूम। जो स्लम क्या है? बिल्कुल डूम। डूम मतलब तहखाने की तरह। ओके, डूम मतलब ग्रेव हम कह सकते हैं, या ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD। वी कैन से दैट वेरी नैरो एंड कंजेस्टेड। देयर स्लम इज वेरी नैरो एंड कंजेस्टेड। सो दिस मैप वेयर सो मेनी प्रॉस्पेरस थिंग्स आर शोन, सो मेनी यू कैन से दैट लग्जूरियस थिंग्स आर शोन, दे आर यूजलेस फॉर दिस चिल्ड्रेन, एज दिस चिल्ड्रेन आर लिविंग इन अ वेरी क्लामजी एटमोसफियर, CLUMSY। क्लामजी एटमोसफियर मीन्स अ वेरी कंजेस्टेड एंड नैरो एटमोसफियर। ओके, नाउ फॉर योर बेटरमेंट आई एम जस्ट टेलिंग सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेज ऑल्सो। ओके, नाउ यू सी एंड फॉलो अप टू दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस ऑन देयर स्लैग हिप। ओके, स्लैग हिप, दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप थ्रू द बोन स्पेक्टेकल्स ऑफ रिम विद द मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन। सिमली, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, इट्स अ सिमली। फॉगी स्लम, फॉगी स्लम डेफिनेटली इट्स अ यू कैन से दैट इमेज, इमेज ऑफ पॉवर्टी, फॉगी स्लम इमेज। आफ्टर दैट यू केम अक्रॉस विद दैट एज बिग एज डूम, एज बिग एज डूम। उनकी जो एटमोसफियर है वो कब्र की तरह, छोटे छोटे रूम में रहते हैं, नो लाइट, नो एयर, नो सन। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ए सिमिली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव गॉट सिमिली, इमेज, एंड आफ्टर दैट वन आई टोल्ड अनदर सिमिली। ओके, सो अप टू दिस मच।